Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे. दोस्तों मैंने एक पेस्ट वाली वीडियो बनाई थी जो कि सोल्डरिंग पेस्ट से रिलेटेड थी. दोस्तों जो सब बताया था कि कौन सा पेस्ट कहाँ यूज़ करना है, तो दोस्तों उस पेस्ट वाले वीडियो पे आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों आप लोगों का. तो इसी के लिए दोस्तों मैं अब आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ कि उसमें एक पेस्ट की हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि वो पेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग में मतलब यूनिवर्सल पेस्ट है दोस्तों. आपको जंपर लगाने के लिए, आईसी लगाने के लिए, मतलब वो हर काम में दोस्तों आपका. इतने सारे जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम हर तरह के, कुछ रोजिन यूज़ करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के पेस्ट यूज़ करते हैं, तो दोस्तों इन फालतू के पेस्टों को सबको साइड में कर दें. कुछ कुछ लोग रोजिन से भी मतलब काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों को आदत हो जाती है तो वो कर लेते हैं. बाकी जो नए लोग हैं दोस्तों उनको बड़ी दिक्कत आती है. जो नए फील्ड में आए हैं दोस्तों रिपेयरिंग फील्ड में, तो वो यही सोचते रहते हैं कि कौन से पेस्ट से कौन सा अच्छा काम होगा दोस्तों. तो मैं आज उन लोगों के लिए दोस्तों एक बिल्कुल ये समझ लीजिए यूनिवर्सल पेस्ट की आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ. तो दोस्तों मैं उसके आपको काम भी बताऊँगा और आपको तरीके भी बताऊँगा और कौन सी चीज़ न यूज़ करें दोस्तों. बिल्कुल आपके जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है. तो दोस्तों आप बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों. और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ ना यूज़ करें जिससे आपके मोबाइल पीसीबी में प्रॉब्लम आ सकती है. तो दोस्तों चलिए अब अपना वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरह से उस पेस्ट को यूज़ करना है. चलिए तो दोस्तों वन बाय वन अब हम पेस्ट के बारे में अब समझ लेते हैं. तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा दोस्तों कि किस तरह से आप पेस्टों को यूज़ करना है ना करना है, ये आपके ऊपर है दोस्तों. तो सबसे पहले तो दोस्तों ये एक चीज़ जो चलती है मार्केट में आजकल, टाका फिक्सी. दोस्तों आप इसके बारे में शायद जानते नहीं है, लेकिन ये इतनी बेकार चीज़ है दोस्तों, इसको कभी भी मोबाइल पीसीबी पे मत यूज़ करना दोस्तों. ये सबसे थर्ड क्लास चीज़ है. आप इसके अंदर जो लिक्विड है वो आप जान, यदि उसके बारे में पता पड़ेगा तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा दोस्तों. इसमें आपको पता है इसमें हमारा जो टॉयलेट क्लीन करते हैं दोस्तों वो एसिड है, वो एसिड आता है तो दोस्तों वो भरा हुआ है दोस्तों इसमें. ये हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में किसी भी प्रकार का काम का नहीं है दोस्तों. जैसे कि अब आप समझते हैं, जैसे जंपर वायर का आपने सोचा इसमें थोड़ा सा भिगो करके उसमें जंपर पे हम इस पर मतलब कहिए से रश करके और इस पर हम जंपर बना लेंगे. तो दोस्तों इस पर जो लगा होगा ना दोस्तों, तो वहीं से कुछ दिनों बाद ही वो दोस्तों सड़ पकड़ के दोस्तों वहीं से जंपर टूट जाएगा दोस्तों. तो ये सबसे बेकार चीज़ है दोस्तों, ये एसिड भरा हुआ है. चाहे तो आप देख लेना इसको एक बार नीचे फर्श पर डाल करके दोस्तों, आपको सब समझ में आ जाएगा. तो दोस्तों ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, 25 से 30 रुपये में मिलती है सिर्फ. जैसे कि जब लोहे की कोई पत्ती होती है जैसे दोस्तों, उस पर जैसे हार्ड, जैसे जो बैटरी की चिमटियाँ होती है, बड़ी बैटरी की चिमटी होती है दोस्तों, उसको सोल्डर करने के लिए दोस्तों, उस पर सोल्डर चढ़ाने के लिए इसका यूज़ होता है दोस्तों. तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये नहीं यूज़ करना है आपको दोस्तों. नेक्स्ट पेस्ट की बात कर लेते हैं. तो दोस्तों पेस्ट ये रोजिन है दोस्तों. ये पीसीबी में दोस्तों शॉर्टिंग पता करने के लिए दोस्तों, उस पर हम कहिए से रोजिन में लगा करके दोस्तों हम मतलब इसको शॉर्टिंग पता करने के लिए होता. पर कुछ लोग हैं जो इसको सोल्डरिंग में भी यूज़ करते हैं. देखिए दोस्तों अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं दोस्तों. अब कुछ नए लोग भी आ गए हैं तो मतलब कहने का मतलब नए तो क्या, कुछ लोग इससे भी पेस्ट बना लिया है दोस्तों, जो कि आईसी बनाने का है दोस्तों. तो इसको भी उस मतलब पेस्ट के रूप में काम करते हैं दोस्तों. तो दोस्तों देखिए हर चीज़ का काम अलग अलग होता है, हर एक चीज़ की एक काम करने का तरीका अलग अलग है दोस्तों. ये यूज़ करोगे तो पीसीबी भी काली मतलब उसमें क्लीनिंग से काम नहीं होगा. तो दोस्तों ऐसा काम करने से क्या मतलब दोस्तों. तो आप इस तरह से जो जिसकी चीज़ जहाँ काम की दोस्तों वहीं पे काम करिए. अब जैसे क्यूफिक्स का सोल्डरिंग पेस्ट है दोस्तों, तो ये जो टीवी मैकेनिक से, रेडियो मैकेनिक से वो भी यूज़ करते हैं. और दोस्तों जैसे हम मोबाइल रिपेयरिंग वाले अपन सभी ये भी यूज़ करने लग गए हैं. तो दोस्तों ये सिर्फ सोल्डरिंग के लिए ठीक है दोस्तों. और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इनकी लेग्स होती है दोस्तों, देखिए जूम करके बता देता हूँ,
जो इनकी लेग्स होती है दोस्तों, उनको उस पर सोल्डर चढ़ाने के लिए, ताकि ये जब पीसीबी में लगे तो दोस्तों अच्छे से फिट हो जाए। तो उसके लिए ये काम करता है दोस्तों हमारा क्यूफिक्स का सोल्डर पेस्ट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक पेस्ट ये है। तो दोस्तों हर एक पेस्ट दोस्तों कोई ये सॉल्टिंग चढ़ाने के लिए नहीं होता, कुछ कुछ ऐसे भी पेस्ट होते हैं। देखो दोस्तों मैं आगे आपको इसका भी यूज़ बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा पेस्ट है दोस्तों जो मैं काफ़ी ढूंढने के बाद मिला था। ये जो आईसीयू के बॉल से दोस्तों इनको कहिए पे, मतलब जो अपने आयरन रहता है उस पर ये सब ले लेता है, तो ज़्यादा इसमें मेहनत करना नहीं पड़ती दोस्तों। ये भी इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा। ये सिर्फ मैं इसी के लिए यूज़ करता हूँ कि जैसे बॉल्स को उठाना है कहिए पे लेना है, मतलब आयरन पे लेना है, तो उसके लिए यूज़ करता हूँ दोस्तों ये। दोस्तों मैं इस पेस्ट के बारे में आपको बता दूँ तो दोस्तों बाद में बताऊँगा, वैसे भी वीडियो लंबा होगा। दोस्तों देखिए ये पेस्ट ऐसा है कि दोस्तों आप इसको यूज़ किस तरह से करना है। दोस्तों ये सिर्फ मेरे को इसी काम के लिए यूज़ आया है कि हम इस पर, जैसे कि ये इस पर बॉल्स हैं, देखिए आपको दिख रहे हैं, तो बॉल्स को दोस्तों हम एक एक करके मतलब आयरन से और भी दूसरे पेस्टों से साफ कर सकते हैं। पर इससे दोस्तों मैंने बहुत अच्छी चीज़ ये देखी कि इससे फटाफट आयरन पर ये चिपक जाते हैं। देखिए दोस्तों फटाफट आयरन पर सारा चिपक जाता है ये पेस्ट, इसीलिए ये पेस्ट मेरे को अच्छा लगा दोस्तों। ये देखिए मतलब इससे क्लीनिंग में, वही कह रहा हूँ कि क्लीनिंग से जितना काम करेंगे उतना अच्छा होगा दोस्तों। देखिए इसे फटाफट आयरन से चिपक जाता है, वो काफ़ी अच्छे से साफ होता है। ये छोटा आयरन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, इससे बड़ा आयरन से और अच्छा काम होता है। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये है वो यूनिवर्सल पेस्ट दोस्तों, मैकेनिक का है, UV559 दोस्तों। ये देखिए ये कितने का है ये भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये 220 रुपये का पेस्ट है मात्र, और दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही इसके शानदार रिजल्ट है दोस्तों। मैं आपको इसको पूरी तरह से असेंबल करके पहले बता देता हूँ किस तरह से असेंबल होगा, और काफ़ी इफ़ेक्टिव है यार ये, वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है ये। निकल जा भाई। देखिए दोस्तों इसकी ये तीन निडिल आती है, पहले तो हम इसको खोल लेते हैं, और इसकी ये जो निडिल है दोस्तों आप इसको यहाँ पे लगा लेंगे, आसानी से लग जाती है दोस्तों। और भी पीछे का इसका केप है दोस्तों, इसको हटा करके ये दोस्तों इसको थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे, और दोस्तों ये इसमें लग जाता है। और दोस्तों पीछे से प्रेशर करेंगे तो आप ये आगे से निकलता रहेगा, जैसे कि इंजेक्शन काम करता है। ये देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा ब्लू आ रहा है, इसके बाद वाइट आएगा। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा पेस्ट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा पेस्ट है। अब मैं आपको इसके काम के बारे में बताता हूँ दोस्तों बारी बारी, कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इस पेस्ट से A to Z सारे आप काम कर सकते हैं। जैसे कि अब हम ये जम्पर पे हमें थोड़ा सा, जैसे कि आगे काम को इस पे जो है अपने को सोल्डर लगाना है, तो थोड़ा सा दोस्तों इसको हम भिगो लेंगे इस थोड़े से पेस्ट में दोस्तों, और अब हम जो है इस पे सोल्डर चढ़ा लेंगे। बिल्कुल आसानी से चढ़ जाता है दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये एक ही बार में दोस्तों ये बिल्कुल ये हो गया दोस्तों, ये चढ़ गया इस पे। अब हो सकता है आपको शायद दिखे नहीं, पर मतलब बहुत बारीक वायर है इसलिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़ी चीज़ों पे भी करके दिखाता हूँ इसका मतलब यूज़। देखिए दोस्तों इस पे हम जो सोल्डरिंग करते हैं इस पिन को, तो इस पिन को हमको सोल्डर पहले करना पड़ता है इसके लेग्स को। तो दोस्तों देखिए भाई आपके सामने मतलब टच करेंगे और सोल्डर चढ़ जाएगा इस पे। देखिए पहले हम इस पे जो है ये पेस्ट लगा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट है, नया है, इतना ज़्यादा नहीं लगाना है। अब दोस्तों आयरन से हम ले लेते हैं, बिल्कुल टच करेंगे दोस्तों और इस पे ये लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितना सफाई से काम हुआ है दोस्तों, इतना अच्छा काम होता है दोस्तों इस पेस्ट से। हमें ना तो अभी हमें हर बार नहीं तो अलग अलग यूज़ करना होगा। यदि इस पे लेग्स पे चढ़ाना है तो दोस्तों इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हमें पीसीबी पे लगाना है तो फिर इस पेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतने सारे पेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है आपको, आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया, और भी मैं पिनों पर आपको सोल्डरिंग ये चढ़ा के बता देता हूँ। J7 की चार्जिंग पिन है, अभी हमने एक पिन पे जैसे लगाई थी, ये थोड़ा सा हमने पेस्ट लगाया दोस्तों, वो बिल्कुल आसानी से। ये देखिए दोस्तों
बिल्कुल अच्छे से इस पे सोल्डरिंग वर्क करता है, फटाफट इस पे सोल्डरिंग चढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा सोल्डरिंग पेस्ट है ये। तो ये देखिए दोस्तों, अब जैसे कि हमें दोस्तों मान लीजिए इस पिन पे हमें ये पिन रिमूव करनी है, तो दोस्तों फिर आपको पेस्ट चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पेस्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि ये पीसीबी पे हम यदि एसएमडी से वर्क करेंगे, एसएमडी से इसकी चार्जिंग हीट गन से हम निकालेंगे, तो दोस्तों ये होगा कि ये सबसे पहले तो इसका माइक बंद हो जाएगा और प्रिंट वगैरह जलने का भी डर रहता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा इस साइड लगा देंगे आप हल्का सा पेस्ट। वो दोस्तों जो आयरन है हमारा और हमारा सोल्डर वायर, दोस्तों इससे आप काम करेंगे तो तुरंत आपका निकल जाएगा। आपके सामने भी निकाल के बता देता हूँ। ये इस पे, क्योंकि ये इस पेस्ट की एक खास बात ये है कि ये तुरंत काम करता है दोस्तों, और ये जो पेस्ट की मतलब पकड़ने की जो फटाफट सोल्डर चढ़ाने की जो काम करने का इसका तरीका बहुत अच्छा है। ये देखिए दोस्तों निकल गई पिन, ये देखिए दोस्तों। और तो जैसे कि एक ही काम, ये तो दो इसके काम हो गए। अब जैसे कि दोस्तों प्रिंट मिल जाती है, जैसे कि हम इसकी अब देख पा रहे हैं जैसे कि प्रिंट वगैरह मिल जाती है, तो दोस्तों आप प्रिंट यहाँ पे बस लगा दीजिए और थोड़ा सा हल्का सा आयरन से यदि आप पिन लगा चुके हैं, ये नई पिन लगा रहे हो, यदि प्रिंट मिल गई तो दोस्तों ये आयरन से सॉरी ये पेस्ट से दोस्तों आप पेस्ट लगा के हल्का सा वहाँ पे जहाँ पे मिल चुके हैं प्रिंट आपस में, वहाँ पे बस थोड़ा सा आयरन लगाएंगे दोस्तों, बिल्कुल वो प्रिंट बिल्कुल साफ हो जाएगी। और बिल्कुल मतलब इसे मतलब जो अच्छे से सोल्डर लगते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से ये सोल्डर का दिखेंगे आपको। और तो और दोस्तों आपको आईसी लगाना निकालना इसी पेस्ट से करना है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको आईसी निकाल के बताता हूँ एक, जैसे कि ये हम आईसी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हम पेस्ट लगा लेंगे दोस्तों, और ये अब आईसी निकाल के मैं आपको बताता हूँ, तुरंत निकलेगी दोस्तों आईसी आपकी। देखिए दोस्तों मैं इसको आईसी निकाल के आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये आईसी निकल गई है। देखिए दोस्तों अब आपको आईसी लगाना है दोस्तों, तो अब आईसी भी आप इसी तरह से लगाएंगे दोस्तों, बस थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है और वापिस हमें जैसी हमारी आईसी निकाली थी वैसे ही हमें सेम पोजीशन पे रख के लगा देनी है। ना इसके लेग्स मिलेंगे आपस में दोस्तों, ये लग गई दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट आईसी लगी है। देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट आईसी लगी है, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जैसी थी वैसी लगी है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये मैं आपके सामने इसीलिए लेके आया क्योंकि आप कई भाई ऐसे भी प्रॉब्लम में है कि वो बेचारों ने नई शॉप खोली है और उन्हें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों जो नॉलेज रखते हैं यदि वो पूछ रहे हैं भाई लोग, तो दोस्तों थोड़ी सी उनकी हेल्प कर देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो हमेशा आपको याद रखेंगे कि आपने उनको थोड़ी सी हेल्प की। तो दोस्तों ऐसी ही हेल्प के लिए दोस्तों कभी आप वीडियो भी बना सकते हैं उनके लिए, या फिर यदि कुछ आप कर सकते हैं तो दोस्तों उनके लिए करिए। दोस्तों मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी कॉल भी आ रहे थे, क्योंकि मैसेज कमेंट वगैरह में वो कर नहीं सकते ऐसी कि उनको थोड़े शर्म आए, तो दोस्तों वो बेचारे मुझसे फ़ोन पे पूछते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि तो सर किस तरह से हम कौन सी चीज़ों को यूज़ करें। तो दोस्तों मैंने उनकी काफ़ी लोगों की हेल्प की है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। तो दोस्तों आप इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी चलता है दोस्तों, बहुत आता है इसमें पेस्ट, आपका बहुत काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।